छोटी छोटी मगर बहुत काम की बातें। नंबर एक, मोबाइल फोन के अधिकतर इस्तेमाल से डायबिटीज और दिल की बीमारी का खतरा रहता है। नंबर दूसरा, अधिकतर ग्राहक फोन को बेल्ट के पास बने पॉकेट में रखते हैं तो इससे बहुत नुकसान हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण से हड्डियों पर गहरा असर हो सकता है और मौजूद मिनरल और लिक्विड समाप्त हो सकता है। नंबर तीसरा, फोन को कमर के पास रखने से रेडिएशन से नकारात्मक प्रभाव पड़ने से शुक्राणुओं में कमी आ सकती है। नंबर चौथा, आज के समय में अपने अधिकतर लोगों को तनाव और डिप्रेशन का शिकार देखा होगा जो कि मोबाइल फोन के रेडिएशन के चलते हो रहा है। इससे दिमाग की कोशिकाओं पर प्रभाव पड़ता है और उससे बने में ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाता। नंबर पाँचवा, अगर आप फोन को शरीर से लगाकर सोते हैं तो आपको इससे रेडिएशन से मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव हो सकता है। नंबर छठवा, फोन के ज़्यादातर इस्तेमाल से रेडिएशन से कैंसर का खतरा हो सकता है। जी हाँ, अगर आप पूरे दिन फोन को इस्तेमाल करते हैं तो आपको ट्यूमर होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इससे कैंसर की बीमारी हो सकती है। नंबर सातवां, आपको बता दें कि एक रिसर्च के मुताबिक फोन के ज़्यादा इस्तेमाल से मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इससे बुरा प्रभाव बताएं तो फोन से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण से DNA तक प्रभावित हो सकता है। वहीं ज़्यादा इस्तेमाल से मानसिक रोग भी बन सकते हैं। नंबर आठवां, फोन को कभी भी शरीर से सटाकर नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा आप फोन को अपने बैग या पर्स में रखेंगे तो दिक्कत नहीं रहेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप करें। आप और आपके माता पिता हमेशा स्वस्थ एवं अच्छे रहें और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। धन्यवाद।